नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुर्मू के पक्ष में 121 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा असम में 22 क्रॉस वोट पड़े हैं। वहीं 17 विपक्षी सांसद भी मुर्मू के साथ दिखे। आपको बता दें, 13 राज्यों के 119 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया जा रहा है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, इस दौरान 92.71% छात्र पास हुए हैं। 94.54% लड़कियां और 91.25% लड़कों ने बाजी मारी है। आपको बता दें, 35 लाख छात्रों ने दी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। देश को मिली पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। केरल से सिर्फ एक वोट सबसे ज्यादा यूपी से मिले हैं। एनडीए प्रत्याशी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। ईडी ने सोनिया गांधी से की 3 घंटे तक पूछताछ। आपको बता दें, सोनिया से वही सवाल पूछे गए जो ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। सोनिया से 25 से अधिक सवाल पूछे गए हैं। इस दौरान अब उन्हें 25 जुलाई को दोबारा बुलाया गया है। रामनाथ कोविंद रविवार को राष्ट्रपति भवन को कहेंगे अलविदा। आज पीएम मोदी करेंगे विदाई भोज का आयोजन। आपको बता दें, 14वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 2017 को उन्होंने शपथ ली थी, जो उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। कार्यकाल पूरा करने के बाद 24 जुलाई को देंगे इस्तीफा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी न्यूज़ नेटवर्क।